अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सैयदा सुंदस रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह कल बकरीद है, कुर्बानी के जानवरों की आज आखिरी रात है। सुन्नत इब्राहिमी है, बट फिर भी दुख तो होता है उनको ज़िबा होते देखकर, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है इतने दिनों में। और ईद के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरतमंद लोगों की, मतलब जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़रूरत पूरी करें और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसके अलावा इस वक्त बाहर बहुत ज़्यादा रौनक हुई हुई है और मैं जा रही हूँ अपनी एक यूट्यूबर फ्रेंड इकरा उसामा के घर, और वो भी फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे उनसे मेहंदी लगवानी है। मेहंदी लगवाने के मामले में मैं बहुत क्रेज़ी हूँ। मतलब मैं बचपन में इतनी मेहंदी लगवाती थी कि मेरे हाथ से मेहंदी हटती थी तो मैं दोबारा मेहंदी लगवाने पहुँच जाती थी, और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे हाथों पर मेहंदी लगा लगा के सीखी है। तो इस मामले में मैं बहुत, मतलब अब तो खैर काफ़ी हद तक मेरा शौक़ कम हो गया है मेहंदी लगवाने का, लेकिन फिर भी ईद और बकरीद जैसा जो मौका है वो मैं कभी नहीं छोड़ती मेहंदी के लिए। और मुझे लगता है कि सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है मेहंदी लगवाने का, तो ज़रूर लगवाएं मेहंदी भी। और बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हमारी बहुत ही अच्छी यूट्यूबर, और बल्कि काफ़ी फेमस हैं, आप उनका चैनल ज़रूर विजिट करिएगा। एंड में मैं आपको बताऊँगी उनके चैनल का, इकरा उसामा। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। व्यूवर्स बिल्कुल ये मल्टी टैलेंटेड हैं, और मतलब ये बिल्कुल इतना सा टाइम भी ज़ाया नहीं करती हैं, किसी ना किसी काम में बिजी रहती हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने मतलब इतना ज़्यादा काम किया है। और यहाँ मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम से इनके घर आई हूँ, और मुझे मतलब इनका टाइम लिया मैंने अच्छा खासा इस काम के लिए। मैंने इनसे काफ़ी दिनों से पहले से पूछना शुरू कर दिया था, और वो काम है मेहंदी लगाना। ठीक है, तो मेहंदी इनको बहुत अच्छी आती है, मतलब ये ब्राइडल मेहंदी लगाती हैं बहुत अच्छी, और वो टैलेंट इनका मैंने देखा था यूट्यूब पर, और इस वहीं से ही मेरी इनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है, तो मैंने सोच लिया था कि भाई अब कभी भी लगवानी होगी तो मैं इनके घर जरूर पहुँचूंगी। और आज बगैर बताए, मतलब सिर्फ मैंने इनसे एड्रेस लिया और इनके घर में पहुँच चुकी हूँ, और हाँ छापा मार लिया। और ये बिल्कुल तैयार नहीं थी, ये सो रही थी उस वक्त, इनको पता ही नहीं था कि भाई कौन आ रहा है। तो देते हैं आपसे ये घर में, बहुत हाँ। और चलिए अब आप ओके व्यूवर्स, अब मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, और आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि मेहंदी कैसी लगा रही है इनसे। ओके व्यूवर्स, इसके अलावा ना सिर्फ ये मेहंदी की बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बल्कि ये कुकिंग में भी, बल्कि शेफ है ये बहुत बड़ी। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने मेहंदी लगवा ली है, और अब इकरा बिजी है मेरे दूसरे हाथ में मेहंदी लगाने में, और ये मैं इनसे एस बनवा रही हूँ। और एस जो है, अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे दिल में कि भाई ये एस क्या है, तो ये एस जो है सीक्रेट है, आपको पता चल जाएगा, बल्कि अब शायद पता ना भी चले ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छी ये मेहंदी लगा रही है, बहुत सफाई से, और इतना इन्होंने टाइम दिया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक यूट्यूबर से मेहंदी लगवाने के लिए आई हुई। इन्होंने अपना टाइम निकाला, कीमती वक्त में से इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, मेरे लिए बहुत मतलब एहसास की बात है। और बस अब व्यूवर्स मेहंदी लगवा कर मैं बिल्कुल, मतलब अब जल्दी जल्दी से मैं अपने घर जाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी रात हो रही है। जी व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने मेहंदी कम्प्लीट हो गई है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे मेहंदी लग जाती है, मैं एक्साइटेड हो रही होती मेहंदी लगवाने से पहले कि पता नहीं कैसी होगी, और अब मैं इतनी मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि इसका पता नहीं कलर कैसा आएगा। तो चलिए, ये सारी बातें तो होती रहेंगी हमारी, और इकरा का इतना सारा टाइम दिया तो इकरा बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा के चैनल का थोड़ा सा नाम बता दें आप प्लीज़। मेरे चैनल का नाम है इकरा कारवा, और आप लाइक कर सकते हैं, आप मेरे विजिट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।